हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडोलिक। मैं हूँ इंद्राणी और आज मैं आप लोग के सामने कुकीज़ एंड क्रीम का आइसक्रीम का रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही रिच एंड क्रीमी टेक्सचर का होता है ये आइसक्रीम और बिल्कुल मार्केट मेड के जैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे बनाया जाता है देखते हैं। इसके लिए मैंने ये ओरियो बिस्किट का एक पैकेट लिया है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। आप लोग चाहे तो जिपलॉक बैग के अंदर डाल के भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में नहीं घुमाना है, हमें फाइन पाउडर नहीं चाहिए इसका। थोड़ा दरदरा सा पीसेस रहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि जब क्रीम आइसक्रीम के अंदर इसके पीसेस आते हैं मुंह के अंदर तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो ये क्रश कर लिया, मैं इस पैकेट को ऐसे ही रख दूंगी। अभी एक मिक्सिंग बाउल में मैं व्हीपिंग क्रीम लूंगी 2 कप। हैवी क्रीम जो होता है वो यूज़ करना है हमें, और इसे चिल्ड यूज़ करेंगे, फ्रिज में रख के ही यूज़ करना है। अभी एक इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर के हेल्प से मैं इसे बीट करूँगी। स्टीफ पीक्स के आने तक हमें इसे बीट करना है। हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो बेटर है आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ करें। ये देखिए स्टीफ पीक आ गया है। अब मैं इसमें मिल्क मेड यूज़ करूँगी, कंडेंस्ड मिल्क। मैं कंडेंस्ड मिल्क ये 200 ग्राम का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। मीठा आप लोग अपने हिसाब से यूज़ ऐड कर सकते हैं, थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिएगा। इसे अभी दोबारा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ये जो ओरियो कुकीज़ मैंने क्रश करके रखे हुए थे उसे ऐड कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े चंक्स भी है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसे बहुत ही आराम से हल्के हाथ से हम लोग मिक्स कर लेंगे। कुकीज़ ऐड करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही मिक्स कर लेंगे इसको। अब मैं इसे सेट कर दूंगी। सेट करने के लिए हमें ओवरनाइट अगर रख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट 9 to 10 hours तो रखना ही चाहिए हमें। एक कंटेनर में मैंने इसे डाल दिया। इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ऊपर से, और एक एल्यूमिनियम फॉइल से मैं इसे रैप करूंगी। आप लोग क्लिंग रैप से भी रैप कर सकते हैं। एक एल्यूमिनियम फॉइल रख के अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी। ध्यान रखिएगा कि अच्छे से ढक्कन लगा हुआ हो, नहीं तो आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसे ढक्कन को अच्छे से लगा देंगे, एयर टाइट होना चाहिए। अब इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी। अब इसे मैंने निकाल लिया है, मैंने नेक्स्ट डे ही निकाल रही हूँ मैं, तो ओवरनाइट रखा है। देखिए आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गया है, अब बस हमें इसे निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी रेसिपी होता है आइसक्रीम, और बिल्कुल मार्केट में जो बहुत हम लोग आइसक्रीम मार्केट से खरीदते हैं एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट आता है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम लोग घर में ही बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप लोग ऐसे रेसिपी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग मार्केट से आइसक्रीम खरीदना छोड़ देंगे, अपने से ही घर में आप लोग किसी भी फ्लेवर के आइसक्रीम बना सकते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। थैंक यू।